हेलो व्हाट्सअप गाइस, गीक फ्लाइट टेक के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टिकटॉक के बारे में। आप सभी को पता है टिकटॉक एप्लीकेशन जो है इंडिया से बैन हो चुकी है, बट ये अभी भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कैसे शो हो रही है, कैसे डाउनलोड हो रही है या फिर क्या है इसका पूरा फंडा जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जून 2020 को 59 चाइनीज एप्लीकेशंस इंडिया में बैन की गई, जिसमें कि टिकटॉक भी शामिल था, आप सभी को पता है। अब किसी एप्लीकेशन को बैन करने का मतलब क्या है कि वो एप्लीकेशन जो है आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते उस कंट्री में जहाँ पे कि वो एप्लीकेशन बैन हुई है। यानी अभी वो एप्लीकेशन इंडिया में बैन हुई है, इसका मतलब आप उसको इंडिया में यूज नहीं कर सकते, ना ही उसको डाउनलोड कर सकते एक लीगल प्लेटफॉर्म से। अब लीगल प्लेटफॉर्म कौन से हैं टिकटॉक या फिर कोई अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के? एक है प्ले स्टोर जो कि एंड्रॉइड मोबाइल के लिए है, दूसरा है एप्पल स्टोर जो कि आईफोन्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, तो ये एप्लीकेशन जो है टिकटॉक या फिर जो अदर 59 एप्लीकेशंस हैं कायदे से इन मतलब प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो मतलब क्या हो रहा है यार, क्या कर रही है गवर्नमेंट या फिर क्या कर रहे हैं गूगल वाले? जब एप्लीकेशन यहाँ पे बैन हो चुके हैं इंडिया में, तो वो अवेलेबल क्यों दिखा रहे हैं वहाँ पे? मेरे को नहीं पता था, मैं जस्ट सर्च कर रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने देखा था जब एप्लीकेशन बैन हुई थी तो वहाँ पे टिकटॉक शो हो रहा था, तो मैंने देखा कि अभी भी वो शो हो रहा है या फिर नहीं। और कल मैंने जब वो देखा तो टिकटॉक अभी भी शो हो रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, पहले ये वीडियो देखो फिर आगे बात करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है प्ले स्टोर, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट टिकटॉक सर्च करके एक बार देखता हूँ कि आता है यहाँ पर या फिर नहीं। टिकटॉक मैंने यहाँ पर लिख के सर्च करा और यहाँ पर कोई भी टिकटॉक एप्लीकेशन जो ओरिजिनल वाली है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि वो बैन हो चुकी है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखना कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे लाइक ऐप को सर्च करता हूँ जो कि अभी तक बैन नहीं हुई है इंडिया में, और ये लाइक मैंने सर्च करा, ठीक है। अब नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे कि सजेशन एप्लीकेशन दिखाती हैं, और ये देखो टिकटॉक अवेलेबल है और यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। देखो मैंने इंस्टॉल पर क्लिक करा और ये अभी वेटिंग फॉर डाउनलोड ले रही है क्योंकि इंटरनेट का। अभी देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है मतलब एप्लीकेशन, मतलब ये हो क्या रहा है? मैंने यहाँ पे कोई वीपन वगैरह यूज नहीं कर रखा, आप देख सकते हो कोई भी वीपन यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, नॉर्मल मेरा वाईफाई कनेक्ट है। और यहाँ पे टिकटॉक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रही है, ऑफिशियल प्ले स्टोर है, यहाँ पे कोई नकली प्ले स्टोर नहीं है, गूगल का ऑफिशियल प्ले स्टोर है ये। मैं यहाँ पे इसको पूरी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि ये इंडिया में बैन हो चुकी है, तो इसको यूज़ करना इनलीगल होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। बट ये यहाँ पे अवेलेबल है और डाउनलोड के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि टिकटॉक एप्लीकेशन जो है वो अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो डायरेक्ट सर्च करने पे तो नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर एप्लीकेशन को आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे शो हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जब एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है तो वो वहाँ पे शो ही नहीं होनी चाहिए, अगर शो हो भी रही है तो वहाँ पे दिखाना चाहिए कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, और ऐसा होता है। बट ये एप्लीकेशन शो हो रही है, प्लस में इंस्टॉल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। व्हाई? मतलब एक तरफ इतना टिकटॉक के लिए इतना बड़ा सीन हो रहा है कि टिकटॉक ये ऐप बैन करो ये करो, बैन हो भी चुका है, ठीक है। ऊपर से डेली न्यूज़ निकल के आ रही है टिकटॉक हमारे डाटा के साथ ऐसा करता था वैसा करता था, डाटा से लीक करता था, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ खेलता था, यहाँ पे इसने डाटा बेचा, ये करा वो करा, डेली इतनी खबर निकल के आ रही है, और फिर भी हमको इंडिया के अंदर टिकटॉक प्ले स्टोर पर मिल रहा है और इंस्टॉल का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। व्हाट? मतलब क्या है ये? अगर आप में से इस बारे में कुछ जानते हो तो यार मेरे को बताओ कमेंट करके, वरना मैं यहाँ पे मेल करके पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या है सीन, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी छोटी सी। अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ क्या है आपकी ओपिनियन, और सब्सक्राइब नहीं करा तो एक सब्सक्राइब करो यार अभी, टेक्निकल गीक बनने के लिए, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।